हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सारे अच्छे होंगे। आज हमारे डाइट प्लान का है 10th डे। अगर आप मेरे साथ अपना वेट लूज करना चाहते हैं तो आ जाइए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डे 1 से मेरी वीडियो को चेक कीजिए। जो भी इंस्ट्रक्शन मैंने आपको दे रखी है आपने सभी को फॉलो करना है। एंड विंटर में वेट लूज करना बहुत ईजी है। इस टाइम पे इतनी सारी ग्रीन वेजिटेबल हमें मार्केट में मिल जाती है, बहुत सारे सैलेड हमें मार्केट में अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाते हैं। आप इजीली से अपना वेट लूज कर सकते हैं। बिना हेल्थ को लूज किए हुए आपने वेट लूज करना है। फ्रेंड, जो भी इंस्ट्रक्शन मैं आपको देती हूँ आपने सेम उसी तरह से फॉलो करना है। अपने खाने को चुन करके खाना है, पानी का इंटेक ज्यादा कर देना है एंड साथ के साथ हर एक वीडियो में मैं आपको न्यू टिप्स देती रहती हूँ, आपने चेक करना है, साथ में फॉलो करना है। So, देखते हैं आज के वर्कआउट में हम क्या करने वाले हैं एंड आज का जो मेरा डाइट प्लान है एंड शेड्यूल है वो किस तरह का रहने वाला है। फ्रेंड्स, तो दिन की शुरुआत करनी है हमने गुनगुने वाटर से। उसके बाद हमने ये जीरा वाटर को बॉईल कर लिया है, उसको हम सिप सिप करके पी लेंगे। उसके बाद आप वॉक कर लीजिए, आप जॉगिंग कर लीजिए, आप वर्कआउट कर लीजिए। सो आज मैं मॉर्निंग में बना रही हूँ पालक एंड बेसन का चीला। सो पालक को मैंने ग्राइंड कर लिया था एंड बेसन को इसमें मिक्स कर लिया था। मैंने 2 स्पून बेसन के ले रखे हैं, साथ में मैंने थोड़ा सा पालक ले रखा है। सो इसको बनाने के लिए हमने इसमें अनियन डाल रखा है, पालक डाल रखा है, साथ में बेसन है, साथ में आप भी जो भी मसाले डालना चाहते हैं वो डाल लीजिए। हमने इस बैटर को रेडी करके ऐसे पैन पे फैला देना है। थोड़ी देर तक हमने इसको लिड बंद करके पकाना है। आपने सिम गैस पे इसको पकाना है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, कम से कम आपने 7 to 10 मिनट तक बिल्कुल धीमी आंच पे इसको पकाना है। उसके बाद इजीली से ये फ्लिप हो गया था, मैंने इजीली से इसको पलट दिया था। तो आप देख सकते हैं इसकी रंगत देखने में कैसी लग रही है, खाने में बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी है। पालक हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें आयरन होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है। जब भी हम पालक खाते हैं हमारी आईज की हेल्थ अच्छी हो जाती है, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा हो जाता है एंड ओवरऑल हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप दही के साथ इस चीले को इंजॉय कीजिए। मैंने मिल्क ले रखा था जो विदाउट क्रीम मिल्क होता है। उसके बाद ये 12 बजे मैंने ले रखी है ब्लैक कॉफ़ी। इसके बाद मैं वर्कआउट करने वाली हूँ क्योंकि आपको पता है मेरा वर्कआउट का टाइम यही है। सो मैंने उसके बाद वर्कआउट करना है। सो मेरा वर्कआउट काफ़ी लंबा चलता है। यहाँ पे मैंने वीडियो स्किप की होती है एंड वीडियो को फास्ट किया होता है। आप मेरी दूसरी वीडियो चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप वर्कआउट कर सकते हैं। अपनी पसंद का कोई भी अच्छा सा म्यूज़िक लगा के अपना वर्कआउट कीजिए। फ्रेंड्स, हर एक वीडियो में मैं कहती हूँ अपने लिए टाइम निकालना है, दिन में एक्टिव रहना है, क्योंकि जब तक आप अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे, अपने वर्कआउट के लिए टाइम नहीं निकालेंगे, आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपने वर्कआउट करना है। आप मेरी किसी भी वीडियो को चेक करके वर्कआउट कीजिए। We'll be right back.
फ्रेंड्स, आपने डेडिकेशन से वर्कआउट करना है, आपने रूटीन को फॉलो करना है। अगर आप एक दिन वर्कआउट करते हैं, चार दिन वर्कआउट नहीं करते हैं, सो उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपने रूटीन बनानी है अपने वर्कआउट के लिए। आज मैं लंच में ये पालक की सब्जी है, साथ में मैंने ले रखी है कढ़ी जो अरबी की है, एक चपाती मैंने ले रखी है। आज मैंने सैलेड नहीं लिया है, बट आपने सैलेड लेना है। आपके घर में जो भी सब्जी बनी है आपने वो लेनी है। फ्रेंड्स, आपने दही ज़रूर ऐड करना है अपने खाने में, एंड साथ में आपने सैलेड भी ज़रूर ऐड करना है। फ्रेंड्स, आज डिनर में मैंने बनाई है मूंग दाल, एंड साथ में मैंने चावल बनाए हैं। एक कटोरी चावल मैंने ले रखे हैं, एंड साथ में मैंने सैलेड ले रखा है। आपने अपना डिनर जल्दी फिनिश करना है, जितना जल्दी हो सके। उसके बाद आप हल्की फुल्की वॉक ज़रूर करें। सो नेक्स्ट डे के लिए जो भी प्रेपरेशन मैंने करनी होती है मैंने कर ली है। मेरी ग्रीन टी बन के रेडी हो चुकी है, आपने ग्रीन टी ज़रूर लेनी है डिनर के बाद। सो मिलते हैं कल वाली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।